नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। सरकारी नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की दिशा में अब एक बेहतरीन कदम उठाए जाने की पहल की गई है। अब देश भर के लिए एक परीक्षा संभावित है। ग्रुप बी और सी के अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के हाथों में अभिनेता सुशांत सिंह जांच का मामला सौंप कर बिहार में खुशी की जो लहर पैदा की है वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बाबत राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा है कि हमारा एक्शन चुनाव नहीं न्याय के लिए था। शुक्रवार की सुबह से उत्तर बिहार की लाइफलाइन माने जाने वाले गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर काम शुरू हो सकता है, इसलिए अब उसे मरम्मत कार्य के लिए बंद किया जा रहा है। आवाजाही का काम पश्चिमी लेन से ही होने की व्यवस्था की गई है। जैसे जैसे कोरोना जांच में तेजी आ रही है, मरीजों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। इस बीच पटना में 387 से अधिक नए मरीज पाए गए हैं। पटना जिला के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक यह संख्या बढ़कर 17,400 से अधिक हो गई है। तथाकथित निजी अस्पताल द्वारा कोरोना संक्रमितों के इलाज मद में अधिक वसूली करने वालों से शासन प्रशासन खफा है। जल्द ही ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। पटना में गंगा नदी उछाल पर होने से जल संसाधन विभाग की नींद उचट गई है। विभागीय मंत्री संजय कुमार झा के मुताबिक अभी हालात नियंत्रण में है। वैसे पटना के एनआईटी घाट पर बाढ़ का नजारा देखने वालों की भीड़ लग गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पीएम केयर फंड पर फैसले को सत्य की जीत बताया है। उन्होंने राहुल गांधी के झूठे बयान पर संज्ञान लेने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार ने बेरोजगार युवाओं को ठुकरा दिया है। बिहार सरकार ने बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है और उनकी समस्याओं को अनसुलझा छोड़ दिया है। कृषि विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने पिछले 2 कृषि रोड मैप की समीक्षा करने के बाद उससे अधिक उत्साहित हैं और उन्होंने अब 3रे कृषि रोड मैप पर गौर करने की बात कही है। चुनाव ऐलान से पहले तक 3रे कृषि रोड मैप के काम में तेजी लाने का आदेश मंत्री ने दिया है। कल शुक्रवार को हरित तालिका तीज व्रत को लेकर बाजारों में फलों का दाम उछाल मार रहा है। इस व्रत में फलों का व्यवहार किया जाता है। सुहागिन महिलाएं डलिया में फल, मिठाई, दही एवं अन्य सामग्री रखकर हरि को समर्पित करती हैं। व्रतियों का मानना है कि फलों का दाम अनियंत्रित है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।